नमस्कार दर्शक बंधु, मु विकास आम यूट्यूब चैनल शास्त्र दर्शन वास्तु सिद्धांत द्वितीय अध्याय में स्वागत जनाऊँ। गृह निर्माण पर भूमि आवश्यकता पड़े। गृह उपयोगी भूमि को भूखंड प्लॉट बोली कहुए। वास्तुशास्त्र अनुसार वास्तु एवं भूमि मध्य बड़ घनिष्ठ संबंध रही, कारण गृह निर्माण पर प्रथम भूमि चयन करने को होता है। आम भारतीय संस्कृति में भूमि को मातृ सम्मान दि जाए। वास्तु सिद्धांत अनुजाई बास करने किपर और क्यों प्रकार भूमि क्रय करने आवश्यक एवं क्यों प्रकार भूमि चयन करने द्वारा सुख और समृद्धि वृद्धि होगा सह आपण मैंने लाभवान हो पारे से विषय जानवा अत्यंत जरूरी अटे। भूमि चयन को नहीं पूर्व मु एक वीडियो अपलोड करी। जदि आपण मैंने एवजाए से वीडियोटी देखि ना, तो आई बटन उपर क्लिक कर वीडियोटी देखिपारे। आज आम वास्तुशास्त्र अनुसार भूमि चयन करने आगु क्यों दिग प्रति निहाती ध्यान देवा उचित से विषय में कहबी। दर्शक बंधु, जदि आपण आम चैनल प्रथम थर पर देखु तेज दयाकोरी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु, जहाद्वारा आम जेकोसी नुआ वीडियो अपलोड कले आप संगे संगे देखिपर। तेज आउ डेरी करानी, आसतु आरंभ कर आज सुंदर भिडटी। जदि भूखंड नैरत्य एवं वायवकोण उन्नत होता है से भूमि को गज पृष्ठभूमि कहुए। भूमि मझीरे उन्नत एवं चारिपाखे अवन्नत भूखंड को कूर्म पृष्ठभूमि कहुए। पूर्व आग्नेय एवं ईशान्य दिगरे उन्नत एवं पश्चिम दिगरे अवन्नत भूखंड को दैत्यपृष्ठ भूखंड कहुए। पूर्व पश्चिम दिगरे लंबा, दक्षिण और उत्तर दिगरे उन्नत भूखंड को नागपृष्ठभूमि नाम से नामित कर। गजपृष्ठ एवं कूर्म पृष्ठभूमि को अत्यंत शुभदायक कहुई, अर्थात यही भूमि धन जश सुख और दीर्घायु प्रदानकारी होता है। किंतु दैत्यपृष्ठ एवं नागपृष्ठ भूखंड अशुभ होता है, कारण यही भूमि बास कले पशु पुत्र बाधा धन क्षय होगा सह शत्रुभय सृष्टि होता है। कौन सी भूखंड उत्तर दिगरे नदी थे यार जलस्रोत पश्चिम पूर्व को प्रवाहित होते उत्तम अटे। से भूखंड पूर्व नदी थी जलस्रोत दक्षिण रु उत्तर को प्रवाहित होते अनुकूल बोली विवेचना कर। भूखंड दक्षिण किंवा पश्चिम दिगरे जल प्रवाह होते से भूमि बासगृह निर्माण पर अनुपयोगी होता है। बास उपयोगी भूखंड निकट में कौन सी देवादेवी मंदिर रहा शुभंकर नुहे। जदि भूमि निकट में शिवंकर मंदिर रही है तेल विभिन्न प्रकार विपद सृष्टि होवार संभावना रही है। सेपरि भूखंड निकट में विष्णु मंदिर रही अशुभ फलाफल मिलवा सह आर्थिक बाधा सृष्टि होता है। दुर्गांकर मंदिर निकट में रही शारीरिक असुस्थता सृष्टि होता है। बासगृह दक्षिण में मंदिर रही धन सम्पद क्षय घटि था। बामें रही दुख और जंत्रणा भरी रही है। सम्मुखें रही प्रगति में बाधा और गृहर पृष्ठ भाव में रही जश प्रतिपत्ति और संपद हानिकारक होता है। तेरे मंदिर ठार् शहे फुट दूर से बासगृह निर्माण करणसी प्रतबंधक ना, किंतु मंदिर किंवा मंदिर निकट में थिबा कौनसी गछर छाया गृह उपर पड़ा शुभंकर हो न था। तेणु एपरी परिस्थिति रे गृह निर्माण शुभदायक हो न था। जे भूमि खनन कले खंड विखंडित पत्थर बाहर, जे भूमि रे पिंपुड़ी किंवा उईहुंका विस्तार लाभ कर रही था, कि भूमि खोलिले अस्थि कंकाल बाहरी थाए, भूमि देखा संतसंतिया होता है, भूमिटी श्मशान निकट में रही थे से भूमि बास करवा अनुचित। जदि भूखंड स्वाभाविक भाव में बड़ धरणर फाट सृष्टि होता है, ए प्रकार भूखंड बासगृह निर्माण पर अनुपयुक्त होता है। आबड़ा खाबड़ा उच्चानीचा टेढ़ा मेढ़ा फटा गर्भजुक्त मलजुक्त भूखंड गृह निर्माण करने अनुचित। यह भूखंड रोग कष्ट दुख और धन हानिकारक अटे। निर्विष व्यक्तिर भूमि गृह निर्माण करने उचित नुहे। श्मशान जंत्रणा मुखरित स्थान, चिकित्सालय, देवस्थान को लगी स्थान, रोगी मान चलाचल स्थान गृह निर्माण पर अनुपयुक्त होता है। जो भूमि समी निंब और आदि पिता और कसाफल दे वृक्ष थे यह गृह निर्माण पर मध्यम धरण होता है। जमीन में कंटा गछ सिजु शुखला घास थे से भूखंड गृह निर्माण पर अनुपयुक्त अटे। भूखंड में छिड़ा हेले जदि अत्यंत थंडा बा अत्यंत गरम अनुभव हुए गृह निर्माण पर अनुपयुक्त होता है। देवाड़िया कुष्ठरोगी देशत्यागी मंदिर को दान दि जा जमी दातव्य अनुष्ठान जमी एवं सत्वाधिकार ना जमी पर बासगृह कि उचित नुहे। जादुगर बास करुवा स्थान पेट मान विताड़ित करने को जो स्थान व्यवहार करोर्ट द्वारा निलाम होमी बासोपयोगी नुहे बास्तुशास्त्र में मान्यता रही।
ଭୂମିର ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ଗାକାର ଭୂଖଣ୍ଡ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ଆୟତକାର ଭୂଖଣ୍ଡ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ବୃତ୍ତାକାର ଭୂଖଣ୍ଡ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁଷ୍କୋଣାକାର, ଷଡ଼କୋଣାକାର, ଅଷ୍ଟକୋଣାକାର, ଗୋମୁଖାକାର, ସିଂହମୁଖାକାର, ଭଦ୍ରାସନ ଭୂଖଣ୍ଡ ଏବଂ କାକମୁଖୀ ଭୂଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତ୍ରିକୋଣାକାର ଭୂମି, ଚକ୍ରାକାର, ଶକଟାକାର ଭୂମି, ସୂପକାର, ଧନୁଷାକାର, ତବଲାକାର, ମୃଦଙ୍ଗକାର, ବ୍ୟଞ୍ଜନକାର, ଚିମିଟାକାର, ଅଣ୍ଡାକାର, ବିଷମବାହୁ ଏବଂ ଆବୃତକାର ଭୂଖଣ୍ଡ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସର୍ବଦା କଷ୍ଟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭୂମି ଚୟନ କିପରି ଭାବେ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭୂମିର ପ୍ରକାର ଓ ଜାତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର, ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।